हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 के पहले नंबर के कुछ सवाल बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये बटा में चरपद है। यदि हर में चरपद है तो उसको जो है हम हर के रूप में न रख करके उसे हम अंश में लाएंगे। कैसे लाएंगे आप लोग जान लीजिए। यदि बटा में कोई चरपद लगा है तो 1/ मान करके उसको चलेंगे। जैसे 1/x बराबर कुछ भी मान लीजिए, p मान लीजिए, q मान लीजिए, mn मान लीजिए, ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं। तो जो हल में अगर चरपद है तो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हल करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम मानेंगे, माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q, 1/x बराबर p और 1/q बराबर 1/y बराबर q मान लिया, इसमें रखेंगे। अतः 1/x गुणा में एक समझ लीजिए, तो 1/x हो गया p, तो 1/2 बचा, तो 1/2 तो p/2, ये p/2 हो गया, प्लस 1/y तो q हो जाएगा, और बटा में 3 है और बराबर 2। लासा ले लीजिए क्योंकि भिन्नात्मक रूप में है, इसको और आगे हल कर लेते हैं। लासा लेकर के 2-3 का लासा लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का 6 में भाग दीजिए कितना जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 3 का गुणा हो जाएगा p में, तो 3p हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है, 3 का 6 में भाग देंगे 2 आएगा, गुणा कराएंगे q में 2 का, तो 2q बराबर 2, ये बटा में 6 है, इधर भेज देंगे तो गुणन चला जाएगा, 3p प्लस 2q बराबर 2×6। 2 का 6 में गुणा करा लीजिए तो 2p प्लस 3p प्लस 2q बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें रखेंगे 1/3x है, तो 1/x मतलब p हो गया, बटा में 3, तो p/3 प्लस 1/y का मतलब q, और बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख दीजिए, बराबर 13/6। तो इसमें जो है लासा लेंगे, इसमें भी लासा लेंगे तो 3 2 का लासा 6 आएगा, 3 का 6 में भाग देंगे 2 आएगा, गुणा कराएंगे p में 2 का, तो 2p, ये प्लस का चिन्ह, 2 का 6 में भाग देंगे 2 3 6, 3 बार में कटेगा तो 3 का गुणा करा दीजिए q में, तो 3q बराबर 13/6। ये 6/ में होगा, गुणा में ले लीजिए तो 2p प्लस 3q बराबर 13/6 गुणा 6, बटा में 6 है गुणा में 6 है, दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2p प्लस 3q बराबर 13, समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना, पी क्यू के मान निकालना है, पी क्यू के मान इसमें रख देना है, एक्स वाई के मान आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो विलोपन विशेष लगाते हैं। विलोपन विशेष लगाने के लिए किसी एक चरपद का मान, किसी एक चरपद का गुणांक बराबर कर लेते हैं, तो पी को बराबर कर लेते हैं। तो पी का गुणांक क्या है, इसमें 2 है, ऐसे पी का गुणांक 3 है, पी का गुणांक 2, पी का गुणांक 3 है, तो इसके गुणांक का इस समीकरण गुणा करा दे, और इसके गुणांक का इस समीकरण गुणा करा दे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में इसका गुणांक 2 है, तो 2 का गुणा करा दीजिए 2 का, तथा समीकरण 2 में इसका गुणांक 3 है p का, तो इसे 3 का गुणा करा देंगे, तो 3 का गुणा कराने पर कराइए, 2 का कराएंगे 2 3 6 p,
दो दूनी चार क्यू, फिर बारह दूनी चौबीस समीकरण, या तीन मान लीजिए समीकरण दो में तीन कराया जाए तो तीन दूनी छः पी प्लस तीन तिया नौ क्यू बराबर तेरह तिया उनतालीस, ये समीकरण चार हो गया। समीकरण तीन चार को घटाया जाए क्योंकि हमको काटना है छः पी, तो घटाने पर ही घटेंगे, तो लिखेंगे समीकरण तीन से समीकरण चार को घटाने पर समीकरण तीन उतार लीजिए, छः पी प्लस चार क्यू बराबर चौबीस, छः पी प्लस नौ क्यू बराबर उनतालीस, चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस प्लस है यहाँ तो माइनस प्लस माइनस का छः पी है इसलिए दोनों कट जाएंगे, और चार क्यू प्लस का है नौ क्यू माइनस का है दोनों के चिन्ह अलग अलग है अतः ये दोनों घटेंगे तो आएगा माइनस का पाँच क्यू, माइनस कहाँ से है बड़ी संख्या के चिन्ह घटाने के बाद तो नौ बड़ी संख्या है माइनस के इसलिए, फिर उनतालीस से चौबीस देखेंगे जुड़ेंगे घटेगा तो चौबीस के पहले प्लस है उनतालीस पहले माइनस है क्योंकि ये चिन्ह ही माना जाएगा बीच वाला, तो माइनस का उनतालीस है प्लस का चौबीस है अलग अलग चिन्ह आता है दोनों घटेंगे तो आएगा नौ पंद्रह, नौ में चार गए पाँच और तीन में दो घटाएंगे एक और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी उनतालीस माइनस में है तो माइनस में पंद्रह आएगा। अब दोनों तरफ माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो पाँच बटम ले लीजिए तो पंद्रह बटा पाँच, पाँच से पंद्रह काटिए पंद्रह पाँच एकम पाँच पाँच तीन पंद्रह तो क्यू बराबर तीन। अब क्यू का मान समीकरण तीन रखें चाहे चार रखें तो लिखेंगे क्यू का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन रख लेते हैं उतारिए समीकरण तीन, छः पी प्लस चार क्यू बराबर चौबीस, तो छः पी प्लस चार गुणे क्यू का मान तीन आया तो तीन रखेंगे, चौबीस तो छः पी प्लस चार तीन बारह बराबर चौबीस, तो छः पी बराबर चौबीस माइनस बारह हो जाएगा तो छः पी बराबर चौबीस बारह घटाएंगे बारह आएगा तो पी बराबर बारह और बटा में छः आएगा तो छः कम छः छः दूनी बारह तो पी बराबर दो। अब इसमें हम रख देंगे तो एक बटा एक्स बराबर लिखेंगे अतः एक बटा एक्स बराबर पी है तो पी का मान कितना आया दो, तो एक बटा एक्स बराबर दो इसका बटा एक मान लीजिए तिरछा गुणा करा दीजिए तो दो एक्स बराबर एक एक कम एक तो एक्स बराबर एक बटा दो। एक बटा वाई बराबर क्यू माना गया था, क्यू का मान कितना है तीन तो रखे यहाँ तो एक बटा वाई बराबर तीन इसका बटा एक मान लीजिए क्योंकि बटा एक छिपा होता है तिरछा गुणा करा दीजिए तो y का तीन होगा तो तीन वाई और एक का एक कराएंगे तो एक तीन बटन चला जाएगा तो y बराबर एक बटा तीन अतः x बराबर कितना आ गया एक बटा दो और y बराबर एक बटा तीन आंसर। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा है दो बटा रूट एक्स प्लस तीन बटा रूट वाई बराबर दो, चार बटा रूट एक्स माइनस नौ बटा रूट वाई बराबर माइनस एक, तो बटा में रूट बटा में चर पद हैं इस वजह से फिर मानेंगे हम लिखेंगे माना एक बटा रूट एक्स बराबर पी एक बटा रूट वाई बराबर क्यू रखिए मान तो कितना आ जाएगा दो, दो गुणा में एक है तो एक बटा रूट एक्स पी हो गया तो दो पी हो जाएगा क्योंकि दो गुणा में है, इसी तरह इसका एक गुणा एक मान लीजिए तो एक बटा रूट वाई ये हो जाएगा क्यू और तो तीन क्यू हो जाएगा प्लस बराबर दो। समझ रहे हो कि नहीं, ये दो गुणा एक बट दो के साथ गुणा एक लगा है तो एक बटा रूट एक्स बराबर क्या मानेंगे पी, पी इसकी जगह रख देंगे और दो गुणा में आएगा में है तो दो का पी में गुणा हो जाएगा दो पी हो जाएगा,
तो यह समीकरण एक हो गया। अब इसमें रखेंगे तो चार गुणे एक बटा रूट एक्स, ये बटा एक बटा रूट एक्स कितना हो जाएगा पी, और चार गुणे पी यानी चार पी माइनस इसका भी बटा गुणा एक मान लीजिए, इसका भी है एक बटा रूट वाई होगा तो क्यू हो जाएगा, तो माइनस का नौ क्यू बराबर माइनस एक, समीकरण दो। अब इन दोनों को हल किया जाए तो इन दोनों में देख रहे हैं कि पी का गुणांक दो है, पी का गुणांक चार है, यदि हम इसको दुगुना कर दें तो चार पी हो जाएगा, दोनों गुणांक बराबर होंगे, घटा देंगे चार पी कट जाएगा, क्यू का मान निकल आएगा और फिर क्यू का मान रख देंगे इसमें, पी का मान निकल आएगा, यही करते हैं। तो समीकरण एक में दो का गुणा कराने पर समीकरण एक में दो का गुणा कराने पर कराइए गुणा, तो दो दूनी चार पी प्लस दो का तीन में कराइए, दो त्याई छः क्यू बराबर दो का दो में कराइए, दो दूनी चार, ये समीकरण हो गया तीन। अब समीकरण दो से तीन को घटाया जाए, क्योंकि चार पी दोनों चिन्ह समान है, घटाने पर ये दोनों कटेंगे, तो लिखेंगे समीकरण दो से समीकरण तीन को घटाने पर, तो समीकरण दो उतार लीजिए, चार पी माइनस नौ क्यू बराबर माइनस एक, समीकरण तीन उतार लीजिए, चार पी प्लस का छः क्यू बराबर चार, चिन्ह बदलिए, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, चार पी प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, नौ क्यू और छः क्यू दोनों चिन्ह समान है इस वजह से, तो माइनस का पंद्रह क्यू आएगा, माइनस क्यों आएगा क्योंकि जोड़ने के बाद माइनस चिन्ह लगाना है, माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, ये दोनों चिन्ह देखिए समान है, ये भी जुड़ जाएंगे तो चार एक पाँच और चिन्ह माइनस का, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो पंद्रह जो है गुणा में है तो बटम चला जाएगा, तो क्यू बराबर पाँच बटा पंद्रह, इसको काटेंगे पाँच से पंद्रह, तो पाँच एक नम पाँच, पाँच ही पंद्रह, तो क्यू बराबर एक बटा तीन आ गया। क्यू का मान समीकरण दो में रखिए, चाहे तीन में रखिए, चाहे एक में रखिए, किस में रखें, समीकरण दो में रख लिया जाए, छोटा रूप भी है, तो लिखेंगे समीकरण दो में क्यू का मान रखने पर रखा जाए तो चार पी माइनस नौ क्यू बराबर माइनस एक, इसको उतार लेते हैं समीकरण, चार पी माइनस नौ गुणे बीच में गुणा चिन्ह है नौ क्यू के बीच में, क्यू का मान एक बटा तीन रख दीजिए, एक बटा तीन बराबर माइनस एक, माइनस मा तीन एक से काट देंगे, नौ तीन एक कम तीन, तीन किया नौ, तो चार पी बराबर चार पी और माइनस तीन एक तीन बराबर माइनस एक, माइनस तीन उधर भेज दीजिए, तो चार पी बराबर माइनस एक, प्लस का तीन चला जाएगा, तो चार पी बराबर ये दोनों घट जाएंगे अलग अलग चिन्ह के हैं, तो तीन से एक घटाएंगे दो आएगा चिन्ह, बड़ी संख्या का प्लस का तो प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, चार गुणा में है तो ये बटम चला जाएगा, तो पी बराबर दो बटा चार आ जाएगा, दो से चार कटेगा तो काट दीजिए, दो एक नम दो, दो दूनी चार, तो पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर एक बटा दो, नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः एक बटा रूट एक्स बराबर पी माने थे, तो एक बटा रूट एक्स बराबर पी का मान कितना आया, एक बटा दो। अरे क्या चीज अपना रुक जा कुछ देर कह दियो भी आ रो तो एक बटा रूट एक्स बराबर एक बटा दो आ जाएगा पी का मान, तिरछा गुणा करा दीजिए तो रूट एक्स एक कम रूट एक्स और दो एक नम दो,
ये रूट में संख्या है चर पद, तो रूट का हटाया जाए तो अंडर रूट का उल्टा क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी वर्गमूल का उल्टा वर्ग हो जाएगा। तो x बराबर 2 का वर्ग यानी घाते 2 लग जाएगा। 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, x बराबर 4। और 1 बटा रूट वाई बराबर क्यू माना गया है, तो 1 बटा रूट वाई बराबर क्यू, तो 1 बटा रूट वाई बराबर क्यू का मान कितना आया है, 1 बटा 3, तिरछा गुणा करा दीजिए तो रूट वाई बराबर 3 एकम 3। रूट हटाना है तो रूट उधर जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा, तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 3 9, 3 × 3 आएगा, 3 3 9। तो लिखेंगे अतः x बराबर 4, y बराबर 9, आंसर तीसरा देखते हैं। x हर में है और y अंश में है, तो इसको टच नहीं करना है, इसको हर टच कर लेना है, अर्थात इसको मान लेना है। मानेंगे, माना 1 बटा x बराबर p, और y को नहीं मानना है क्योंकि बटा में नहीं है, तो रखेंगे तो गुणा 1 मान लीजिए, तो 1 बटा x कितना आ जाएगा p, तो 4p और प्लस का 3y, प्लस का 3y बराबर 14, समीकरण 1। इसी तरह इसमें बटा 1 मान के गुणा 1 लगा करके 1 बटा x p हो गया, तो 3 × p यानी 3p और माइनस का 4y बराबर 23, समीकरण 2। अब इन दोनों को हल कर लिया जाए तो गुणांक देखिए, दोनों चर पदों के गुणांक अलग अलग हैं, तो किसी एक चर पद के गुणांक बराबर कर लिया जाए। तो मान लीजिए हम p का बराबर कर रहे हैं, तो इसमें 3 का गुणा कराना पड़ेगा, इसमें 4 का कराना पड़ेगा। इसका गुणांक 3 है तो इसमें गुणा करा देंगे, 3 × 4 12p, और इसका 4 है तो 4 × 3 12p, इस पर गुणा कराते चले जाएंगे गुणा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा कराने पर, कराइए 3 का कराइए, 3 × 4 12p, 3 × 3 9y, 14 × 3 42, समीकरण 3 मान लीजिए। इसमें 4 का कराना है तो 4 × 3 12p माइनस 4 × 4 16y, 23 × 4 92, 23 × 4 92, समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को क्या किया जाए, जोड़ा जाए घटाया जाए, तो समीकरण 3 4 के देखिए 12p समान पद हैं, तो दोनों 3 समान हैं, प्लस प्लस के हैं, तो घटाया जाए, काटना है इनको। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो लिख लेते हैं पहले 12p प्लस 9y बराबर 42, 12p माइनस 16y बराबर 92, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, चिन्ह बदल देते हैं। 12p प्लस माइनस में हो गए, कट गए, ये 16y और 9y दोनों तीन समान है, प्लस प्लस कहें जुड़ जाएंगे तो 25y आएगा, और प्लस में आएगा तो प्लस लगाएं चाहे न लगाएं। 92 से 42 घटाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 9 2 + 2 = 0, 9 + 4 = 5, माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या, 92 माइनस में 25 गुणा में बटम लेंगे तो वाई बराबर माइनस 50/25 आएगा, 25 से 50 काट दीजिए, 25 × 25 25 × 50, तो y बराबर -2। अब y का मान चाहे समीकरण 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, तो समीकरण 3 में रख लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 उतार लीजिए,
12p प्लस 9y बराबर 42, y बराबर माइनस 2 है, रखो इसमें मान माइनस 2, तो 12p प्लस 9 गुणे माइनस 2 आएगा, क्योंकि 9 और y के बीच में गुणा चिन्ह है, तो 9 गुणे y तो 9 गुणे माइनस 2 बराबर 42, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो 12p प्लस माइनस माइनस 9 जो नहीं 18 बराबर 42, ये 18 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 42 प्लस 18, क्योंकि माइनस का 18 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 18, इन हमें जोड़ देंगे तो जोड़ने कितना आएगा 60 आएगा, 8 2 10 और 4 5 1 6 12p, तो 12 जो है बटन चला जाएगा तो 60 बटा 12 आएगा, तो 12 से 60 को काट दीजिए, तो 12 का नंबर 12, 12 पंजे 60, तो p बराबर कितना आ गया 5। नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा। लिखेंगे अतः 1/x बराबर p माने थे हम, तो 1/x बराबर 5, तिरछा गुणा करा देंगे बटा एक मान के, तो 5 का गुणा 100 होगा 5x, 5 का x में गुणा होगा 5x, अब 1 का 1 का गुणा 1, 5 गुणा में है तो बटम ले जाएंगे, तो x बराबर 1/5, अतः x बराबर 1/5, y बराबर माइनस 2 आंसर। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1, तो बटा में चार पद है तो मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना 1/x माइनस 1 बराबर पी, 1/y माइनस 2 बराबर क्यू, गुणा एक मान लीजिए 1/x माइनस 1 बराबर पी गुणा 1, अब 1/y माइनस 2 बराबर क्यू, 1/y माइनस 2 बराबर क्यू, तो रखते हैं, तो 5 गुणे पी हो जाएगा, तो 5p प्लस 1 गुणे क्यू हो जाएगा, तो क्यू बराबर 2, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह इसमें बार गुणा 1 मान के 1/x माइनस 1 पी हो जाएगा, तो 6 का गुणा पी में कराएंगे, तो 6p और पी माइनस 3 गुणे 1/y माइनस 2 है, तो 1/y माइनस 2 क्यू को माने हैं, क्यू माने हैं, तो 3 गुणे क्यू यानी 3q हो जाएगा बराबर 1, समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, पी क्यू को मान निकालते हैं, देखिए इसमें गुणांक बराबर किया जाए, किसके गुणांक बराबर करें, क्यों का गुणांक बराबर कर लिया जाए, क्योंकि इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है, तो केवल इसमें हम 3 का गुणा करा देंगे, 3 क्यों हो जाएगा, वो बराबर हो जाएंगे, तो करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा कराने पर, तो 3 का कराइए, 3 × 15p प्लस 3 का क्यों में कराएंगे, तो 3q, 3 × 6 में और 3 × 2 में कराएंगे, तो 3 × 6, समीकरण 3। यदि हम इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो दोनों के चिन्ह समान हो जाएंगे, और समान होने पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं, जब कटेंगे नहीं तो समीकरण हल नहीं होगा, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं, और जोड़ने का मतलब वही चिन्ह रहेगा, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 उतार दीजिए, तो 6p माइनस 3q बराबर 1, समीकरण 3 उतार दीजिए, 15p प्लस का 3q बराबर 6, जोड़ने का मतलब है कि चिन्ह नहीं बदलना है, तो 3q प्लस का 3q माइनस का है दोनों कट जाएंगे, 15p प्लस का है 6p प्लस का है दोनों जुड़ जाएंगे, तो 21p हो जाएगा, और 6 में 1 दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के हैं, तो 7 हो जाएगा, और 21 जो है गुणा में है, तो p 21 p के साथ गुणा में है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो
बटन चलाएगा तो 7/21 हो जाएगा, 7/21 काट दीजिए तो 7 × 7 = 21, तो पी बराबर 1/3 आ गया। पी का मान चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे 3 में रखिए, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, ये इजी है, ये इजी फॉर्म में है, इसलिए तो लिखेंगे पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो उतार लीजिए समीकरण 2, 6p - 3q = 1, तो 6 × 1/3 पी का मान 1/3 आया ना, और गुणा का चिन्ह होगा 6 और पी के बीच में, -3q = 1, तो 3 से 6 काट दीजिए, 3 × 6 = 3, तो 2 × 2 = 2 आया, -3q = 1, 2 को भेज दीजिए उधर, तो -3q = 1 - 2 जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 है, -2 हो जाएगा, ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं घट जाएंगे, तो 3q = 2 में से 1 गए 1 और चिन्ह बड़ी संख्या 2 है तो माइनस का, इधर माइनस का, दो तरफ माइनस माइनस कहें कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणा में है तो उधर अच्छांतर करेंगे तो घटान चला जाएगा, तो q = 1/3। पी का मान भी 1/3 आया और क्यू का मान भी 1/3 आया। अब इसमें रखेंगे, नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा, लिखेंगे अतः 1/(x-1) पी का मान कितना है 1/3, तिरछा गुणा करा दीजिए तो x माइनस एक का एक में कराएंगे तो यही रहेगा x-1, और 3 का एक में कराएंगे तो 3 आएगा, 3 × 3, और माइनस का एक है तो उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस का चला जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 3 × 4, x = 4 आ गया। इसी तरह इसको देखिए 1/(y-2) = q माना गया है, तो q का मान कितना आया 1/3, तो 1/(y-2) = 1/3, तिरछा गुणा करा दीजिए तो 1 का y में कराएंगे y और 1 का 2 में कराएंगे 2, y-2 आएगा, इधर 3 × 3 आएगा, और 2 उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 + 2, प्लस का 2 चला जाएगा उधर, और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, तो लिखेंगे अतः x = 4 y = 5 आंसर। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बना करके अपलोड करूँगा वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में मैसेज मिल जाएगा, और फिर आप मेरी वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर लेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को अपने मित्रों तक भी जो है शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मेरे वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।